गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय लवीज. एंड आज मैं सुबह सुबह बहुत लेट उठी हूँ, सरकी खाने के लिए उठी थी. उस टाइम मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हमने सिर्फ सरकी खाई और जो सुहाग का सामान होता है वो थोड़ा सा मनसा मम्मा और मैंने. उसके बाद मैं अभी उठी हूँ 11 बजे और मुझे पता चला मेरा सूट रेडी नहीं है. मैं नहा ली हूँ बट मेरा सूट स्टिच होके नहीं आया क्योंकि नगरोटा में 2 दिन से बैक टू बैक कट लग रहा था पूरे दिन का. सो टेलर की भी गलती वैसे ही कह सकती क्योंकि जो हो रहा था वैसे ही टेंशन ही लेती. सो देखते हैं सूट कब तक आता है. तब तक मैं सोच रही हूँ कि मेकअप कर लूँ और मेकअप करके हल्का सा मेकअप ही करूँगी, अभी कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, जस्ट स्किन केयर और थोड़ी सी लिपस्टिक सिंदूर और बाल वाल सेट कर देती हूँ. मैंने ये चूड़ियाँ ली हैं, ये मेरी करवा चौथ की चूड़ियाँ. आई होप इट्स प्रिटी बिकॉज आई लव देम अलॉट. बहुत प्रिटी है. मैंने और मम्मा ने जाके ली थी, मेरी सासू माँ और मैंने जाके ली थी. बहुत ही सुंदर है एंड लेट्स सी क्या बनता है. मैं आपको तैयार होके मिलती हूँ. अभी मैंने स्किन केयर कर लिया हार्डली. ये मेरे नेल्स हैं, मैंने ये मेरे अपने नेल्स हैं, मैंने आर्टिफिशियल नहीं लगाए हैं. वो नवरात्रे करके और श्राद्ध करके नेल्स काटे नहीं थे और नेल्स बड़े हो गए. सो मैंने खुद ही नेल पेंट लगा लिया एंड दिस इज़ माय मेहंदी आफ्टर द कलर. ये मेरी मेहंदी है. कल बहुत ही ज़्यादा, पिछले दिन बहुत ही ज़्यादा स्केड्यूल टाइट था. शाम को हमने 3-4 जगह जाना था, तो मैं अपने सास ससुर जी के साथ और देवर के साथ हमने जाना था. भूजी को भी उनकी सरगी देनी थी. मोस्ट प्रॉब्ली मासी जी ने मुझे बुलाया था और मामी जी ने भी वहीं बुलाया था, तो उन्होंने भी मुझे देना होगा करवा चौथ, मम्मा को देना होगा. सो कल उसी में ही निकल गया सब कुछ. शाम को बहुत लेट पहुंचे, खाना खाया, सो गए. उसके बाद सुबह 4 बजे उठे, 4 से 5:30 बजे तक मैं मम्मा गप्पा ही मारते रहे. गाइस 6 बज गए, मेरा सूट अभी आया है. मैं रो रो के डिमोरलाइज हो के अभी तैयार होने लगी. 6 बज रहे हैं, अभी मंदिर जाएंगे फिर पूजा करते हैं, देखते हैं. सुबह से कुछ तैयारी नहीं हुई थी. लेट हो गए हैं बहुत ज्यादा. अरे ना कितनी ऊंची है ना, लंबी यहाँ बोलो, अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहे हो. आज हम बहुत लेट हो गए हैं. हाँ, वो तो मंदिर तक, मंदिर के दर्शन ही करते करते हमें इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है, 8 बजने. हाँ तो 8 बजने शुरू हो चुके हैं और अभी तक कथा भी नहीं की है, अभी सिर्फ मंदिर के दर्शन हुए हैं. अभी हम घर की तरफ चलते हैं. अभी हम घर के लिए निकल गए हैं, 8 बज गए. अभी हमने स्टिल अभी कथा करनी है और कथा के बाद चांद आ जाएगा 8 बजे, 8:30 बजे तक तो चांद भी आ जाएगा, पता नहीं क्या है. ये माता का दरबार है और ये आगे पीछे मुझे लेने के लिए चले. चलो ये बना ले लो. जहाँ पे चांद बादलों में छिपी जा रहा था, हट मतलब विद इन 30 सेकेंड्स ही चांद गायब हो रहा था और जल्दी वापस आ जा रहा था. तो मैं मम्मा को बोली थी जल्दी जल्दी कर. है हल्का सा है, मेरी बारी में छुप जाएगा. ज्यादा घर नहीं आ रहे, तो वेट करना पड़ेगा. जाओ चलना मम्मी जी. हाँ हाँ सामने है ना, आप मम्मी को देखो ना पापा, मम्मी को देखो. क्या तुम्हें देखना
सब रिकॉर्ड हो रहा है। करते करते पहले पापा वाला करो। ये ना ऊपर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। इनके बारे में पूरा चांद आ गया। लकी बॉय। पैसे भी देने पड़ते फिर मम्मी को जय जय कराने का। गिफ्ट भी देनी पड़ती मम्मी के लिए। और आरती पहली बार बता रही है पापा की। 10 रुपए दे दे मम्मी को। और पानी पिलाना। हाँ पापा पानी पिलाओ। ये वाला पिलाना है। पापा पहले आशीर्वाद तो दे दो अच्छे से। आशीर्वाद दे दो अच्छे से। आजा तो पिता एक मिनट रुकना। आजा। झूठा कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी का ही है। क्या और इसमें फिल्टर का पानी है। अच्छे से पिलाओ ना। अब इसके बाद हमने मम्मा पापा का थोड़ा सा फोटोशूट किया, बहुत ही प्यारी कैंडिड पिक्चर्स ली और वीडियोस ली छोटी छोटी रील्स के लिए। बट मम्मा ने ना कैमरे की आरती उतार दी। शी इज सो क्यूट, इजंट इट, दे आर ब्यूटीफुल, लिटरली दे आर टोटली द लवी डवीज ऑफ द टाउन, एवरीबडी नो अबाउट देम। ये फिर हमारी फैमिली पिक्चर आ गई एंड दीज आर द क्यूटीज, इजंट इट। कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये दोनों कितने क्यूट लगते हैं। उसके बाद ये हमारी फैमिली पिक्चर आ जाएगी एंड देन ये हमारी क्यूट सी फैमिली है छोटी सी। एंड देन अब हमारी बारी आ गई। यहाँ पे जैसे जैसे मुझे समझ में आता था मैंने बस वैसे वैसे पूजा कर ली। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस चंदा मामा जी को अर्घ देना होता है, पहले उनकी पूजा करनी होती है, फिर अपने पति जी की पूजा करनी होती है, उसके बाद फिर आपको अर्घ देना होता है चंद्रमा जी को, और फिर छन्नी से अपने पति जी को देखना होता है, और फिर जैसे पति जी को देखने के बाद उनका वांडा करना होता है, मतलब नज़र सी उतारनी होती है, एंड देन अर्घ दे के माथा टेक के फिर पति जी आपको पिलाते हैं पानी एंड मिठाई खिलाते हैं, व्रत तोड़ते हैं। सो यही बेसिक फंडा है। आई थिंक ऑल ओवर इंडिया ऐसे ही मनाई जाती है करवा चौथ, मतलब जब व्रत तोड़ा जाता है। टेक केयर। ये बे होता है गाइस जो मैंने हाथ में पकड़ा है, ये सासू माँ जी को देना होता है, ससुर जी को देना होता है आफ्टर चांद देखने के बाद, तभी करवा चौथ का व्रत पूरा माना जाता है। इसमें हम मठियाँ, सूट, सुहाग का सामान, पैसे, बादाम और ड्राई फ्रूट डालते हैं, और भी डालते होंगे, मैं कुछ मिस कर रही होंगी तो आई डोंट नो, बट ये सासू माँ जी को देना होता है और पैर छूने होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इधर आ जाओ मेरे पास। बाय बाय हैप्पी करवा चौथ बोल दो ना इधर। हैप्पी करवा चौथ। पापा भी बोलो हैप्पी करवा चौथ। भैया हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। इधर चलो हमें नजर ना लगे। अरे अरे
आप कहाँ चल पड़े? अभी तो आप मेरी दादी सासू माँ जी से भी तो मिल जाइए। कौन ने सोचा? भगवान, भगवान ने। देखो तेरी तेरा बड़ा औजब गहना। हाँ तेरा तेरी सेवा। हाँ तेरे को लेना। हाँ एक पता नहीं कोई पिछले जन्म का कोई पता नहीं कहना तेरा मैं कुकिया लाना। भगवान ने सोचा था ना दादी, आपने नहीं सोचा था? तो भगवान ने सोचे यार, अब तुमने सोचे। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू, विश यू हेल्थ वेल्थ एंड जॉयफुल सेलिब्रेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स।